हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है इस जर्नल इंटरव्यू सीरीज में। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली रात को 10 बजे जर्नल इंटरव्यू पढ़ते हैं, और आज बच्चों पार्ट 10 है, पार्ट 11 है। ठीक है, अभी तक हम लोग पार्ट 10 आज तक कब कवर कर चुके हैं, पार्ट 11 है बच्चों। और आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो पाइप एंड सिस्टम के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं, तो मेरा नाम अविनाश सिंह है। आप लोग में से मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं पहले से ही। और बच्चों, मैंने पिछले 7 सालों से जो लोग गेट, एससी और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। और मेरे गाइडेंस में मैक्सिमम स्टूडेंट ने 15 में 15 नंबर स्कोर किया है, और आप भी स्कोर कर सकते हैं। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उन लोगों को ये पता होगा कि कितना आसान है 15 में 15 नंबर स्कोर करना। और बच्चों, मैं कैट के एग्जाम में 99.86% स्कोर किया हुआ है क्वांट के सेक्शन में। और मैं जो सब्जेक्ट लेता हूँ बच्चों, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगर आप प्लस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं बच्चों, तो अगर मेरा कोड अभी लाइव 10 लगाते हैं आपको, तो 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो लोग सिमेट्रिक में पढ़ाई करना चाहते हैं वो प्लस कोर्स ले सकते हैं। जो अन अकेडमी पे जो कोर्सेज है बच्चों, 2 टाइप का है, एक प्लस कोर्स है, एक आइकोनिक कोर्स है। बच्चों, प्लस कोर्स में क्या होता है कि एक लाइव टेस्ट होता है, लाइव क्लासेज होती है प्लस कोर्स में, साथ में आपको वीकली टेस्ट होता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। प्लस कोर्स की सबसे खास बात यह है बच्चों कि हर जो फोर्थ जो क्लास होता है, डाउट सॉल्विंग क्लास होता है। ठीक है, तो वहां पे आपका कोई भी डाउट है तो वहां पे आपका क्लियर हो जाता है। और ये कोर्सेज जो है बच्चों, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है। ठीक है, और आइकोनिक में क्या होता है बच्चों कि एक प्लस के सारे फीचर तो आपको मिलते हैं, साथ में आपको एक कोच असाइन हो जाता है। एक मिनट, हम लोग लाइव है कि एक बार कमेंट करके बता देंगे, यस सर वी आर लाइव। हम लोग लाइव है क्या, एक बार कमेंट करके बता देंगे, यस सर वी आर लाइव है। ठीक है, तो ये कोर्सेज 2 टाइप के हैं बच्चों, अपने हिसाब से आप कोर्सेज ले सकते हो। और अगर आप कोर्सेज लेते हो बच्चों, तो ये सारे फैकल्टी हैं जो ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट के कवर कर चुके हैं। और बच्चों, अगर 12 मंथ का प्लान करते हो, अगर मेरा कोड अभी लाइव आप अगर अप्लाई करते हो, तो आपको मिलता है बच्चों 27,225 का। ठीक है, और इसकी जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ है। अगर 18 मंथ का प्लान कर रहे हो बच्चों, तो अगर मेरा कोड लगाते हो अभी लाइव, आपको 34,650 का पड़ेगा। अगर जो लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बच्चों, जो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, वो 2 साल का प्लान कर सकते हैं। 2 साल का अगर आप कोर्स लेते हो बच्चों, तो अगर मेरा कोड अप्लाई करते हो, तो आपको 39,600 का पड़ता है। ठीक है, अगर बच्चों देखा जाए तो ये जो पर मंथ का जो कॉस्ट है बच्चों, 1,650 रुपीज पर मंथ आपका आता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन करना एक सिमेट्रिक में, चाहते हो कि हर टीचर का गाइडेंस मिले आपको, और हर टीचर से आप इंटरेक्ट कर पाओ, तो आप प्लस कोर्सेज ले सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ये प्लस कोर्स के बारे में बच्चों थोड़ा। ये आइकोनिक कोर्सेज का प्राइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आइकोनिक आप लेना चाहते हो तो आइकोनिक ले सकते हो। मेरा कोड अप्लाई करते हो अभी लाइव, तो 12 मंथ का अगर लेते हो बच्चों, तो आपको 40,500 का पड़ता है। अगर 24 मंथ का लेते हो बच्चों, मेरा कोड अप्लाई करते हो, तो आपको 54,000 का पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता भी है। अगर आप प्लस कोर्स लगाते हैं बच्चों, तो आपको बस यही याद रखना है कि आपको कोड लगाना है अभी लाइव। अगर मेरा कोड अभी लाइव लगाओगे, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसा कि ये बात सबको पता है बच्चों, हम डेली रात के एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, और हम मैं क्या क्या सिलेबस कवर करने वाला हूँ बच्चों, तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड कवर करने वाला हूँ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कवर करने वाला हूँ, और स्पेटियल एप्टीट्यूड कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन सारे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्वांट स्टार्ट किया है। तो क्वांट में क्या है बच्चों, सबसे पहले क्वांट सेक्शन में सबसे पहला जो इस टॉपिक स्टार्ट किया था टाइम मैनुअल का, तो टाइम मैनुअल कंप्लीट कर चुके हैं। उसी का एक एप्लीकेशन है पाइप एंड सिस्टम, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कल से कोई नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वांट चल रहा है। क्वांट जब कंप्लीट हो जाएगा तो रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग करके कंप्लीट हो जाएगा तो स्पेटियल एप्टीट पढ़ेंगे, सारे वन बाय वन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि स्पेटियल एनालिटिकल एप्टीट्यूड मतलब जो रीजनिंग है उसको आप पहले पढ़ लेना, तो अगर आप चाहते हो पहले पढ़ना बच्चों, तो डेली शाम को 5 बजे मेरी स्पेशल क्लास हो रही है, तो स्पेशल क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग वेन डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। सिलॉक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया, सिलॉक्स कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही बाकी सारे टॉपिक हम लोग वन बाय वन करने वाले हैं। तो जो लोग अगर रीजनिंग अभी करना चाहते हैं, वो 5 बजे की स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल क्लास ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करते हैं तो मेरा प्रोफाइल खुलता है, और प्रोफाइल में जाके आप वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे एक बात बता दूं कंफर्म कि इस चैनल पे भी सारे टॉपिक कवर होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वन बाय वन सारे चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग क्वांट पढ़ लिए हैं, लोग रीजनिंग करना चाहते हैं, तो आप वहां पे कर सकते हैं।
तो बच्चों आज की सेशन में हम लोग स्टार्ट करें पाइप एंड सिस्टम। ये बहुत ही आसान है और ये एप्लीकेशन आप टाइम एंड वर्क एक तरह से बोल सकते हो कि जो टाइम वर्क जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों उन्हीं का एप्लीकेशन ये है। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम अगर आपको नॉलेज रखना है बच्चों, चाहते हो कि पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन आसान बने, मतलब आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम का मतलब हो गया कि पानी एंड टंकी। ऐसे क्वेश्चन बच्चों जहां पे टंकी में पानी रहेगा वहां पे पाइप लगे रहेंगे, कोई पाइप उस टंकी को फिल करेगा, कोई पाइप उस टंकी को खाली करेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मेरी साउंड आ रही हो तो एक बार क्लियर कर देंगे, यस सर एकदम क्लियर है, क्लियर है सबको एकदम। मेरी साउंड अगर आ रही है तो एक बार क्लियर करेंगे कि सर एकदम क्लियर आ रही है, फिर मैं आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ। एक बार कमेंट करके सब लोग बता देंगे। ठीक है, सब लोग बता रहे हैं कि साउंड क्लियर है, वेरी गुड, साउंड क्लियर होना चाहिए। एक डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से यहां पे देखेंगे सब लोग। ये आप लोग के सामने एक टंकी बना हुआ है, यहाँ पे एक पाइप है बच्चों, एक पाइप है जो इस टंकी को फिल करता है, और पाइप देखो यहाँ पे बना हुआ आप लोगों के सामने, ये पाइप यहाँ से क्या होता है कि पानी फिल होता है, यहाँ से इस पाइप से क्या होता है पानी यहाँ से आता है इस पाइप के थ्रू, ऐसे इंटर होता है, और ये टैंक क्या होता है यहाँ पे टैंक में गिरता है, और ये टैंक क्या है फुल होता है, यहाँ तक ये टैंक क्या होता है फुल होता है, ये टैंक जो होता है फुल होता है, और ये जो पाइप है बच्चों इसके थ्रू पानी क्या होता है बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखो बच्चों जो पाइप टंकी को फूल करता है, ठीक है, जो पाइप टंकी को फूल कब फूल करता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग इनलेट पाइप, इनलेट पाइप उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों इनलेट पाइप। इनलेट पाइप, ठीक, इनलेट पाइप का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव वर्क करना, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्यों बोलेंगे बच्चों, क्योंकि जो टंकी को भर रहा है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो बच्चों जो खाली कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप उसको बोलते हैं बच्चों आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप का काम होता है निगेटिव वर्क करना, निगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा, टंकी को खाली करना है। ठीक है, इसका एकदम सिंपल से एग्जांपल ऐसे समझो कि जो हमारे घर में टंकी लगा रहता है बच्चों, जब वो सुबह में हम लोग मोटर ऑन करते हैं, जब टंकी को भरते हैं, तो वो जो पाइप पानी भरता है उस पाइप को बोलेंगे इनलेट पाइप, क्योंकि उस टंकी को भरता है। ठीक है, और दिन जब टंकी फुल हो जाता है बच्चों, तो हम लोग दिन भर क्या करते हैं, छोटे छोटे नल यूज करके, जैसे कि किचन का नल यूज कर रहे हैं, बाथरूम का नल यूज कर रहे हैं, जो जो टब टाइप को क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो जो टाइप होते हैं बच्चों आउटलेट पाइप होते हैं, क्योंकि टंकी को खाली करते हैं। ऐसे पाइप जो जो टंकी को भरने के काम करेगा उसको इनलेट पाइप बोलेंगे, और वो पॉजिटिव वर्क करेगा, और जो ऐसे पाइप जो टंकी को खाली करने का काम करेगा उसको आउटलेट पाइप बोलेंगे, वो निगेटिव काम करेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अब बच्चों इसके पीछे कॉन्सेप्ट के इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, तो एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चों। मान लो कि ए किसी टंकी को, ध्यान समझना, ए किसी टंकी को 10 घंटे में क्या करता है, भर देता है। ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, ठीक है, और बी उसी टंकी को ध्यान समझना 20 घंटे में खाली कर देता है, 20 घंटे में खाली कर देता है। अब ध्यान देना, ये क्या कर रहा है 10 घंटे में भर रहा है, का मतलब ये हो गया बच्चों कि इसको अपर एरो से दिखा रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और बी क्या कर रहा है 20 घंटे में उसी टंकी को खाली कर देता हुआ है, खाली कर देता है, मतलब ये निगेटिव काम करता है। यहां तक एकदम क्लियर है सबको, एक कोई पाइप है जो टंकी को फूल करता है 10 घंटे में, मतलब वो पॉजिटिव काम कर रहा है। कोई दूसरा पाइप है जो टंकी को 20 घंटे में पूरा खाली करता है, मतलब वो निगेटिव काम करता है। यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब आपसे पूछा गया कि जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा, जब ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है बच्चों कि एक कोई पाइप है किसी टंकी को 10 घंटे में अकेले भर देता है, बी उसी टंकी जो है भरी हुई टंकी को 20 घंटे में पूरा अकेले खाली कर देता है, तो जब ए और बी दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में, ये क्वेश्चन है। तो आपको जैसे हम लोग एलसीएम मेथड लगाते थे बच्चों, वैसे ही एलसीएम मेथड यहाँ पे भी लगाना है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा, तो कितने लोग 10 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा,
अब 20 एलसीएम आएगा बच्चों, तो ये जो 20 आएगा इसका मतलब समझना, ये 20 जो आएगा इसका मतलब क्या, ये जो 20 आ रहा बच्चों एलसीएम, इसका मतलब ये हो गया कि ये टंकी की कैपेसिटी है, ये टंकी की टीसी का मतलब हो गया टंकी की कैपेसिटी है, जो टंकी है बच्चों उसकी कैपेसिटी है, मतलब की कैपेसिटी का मतलब मान सकते हैं ऐसा कि 20 लीटर की टंकी है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि 20 लीटर की टंकी है। अब बच्चों यहाँ पे ये 10 आवर लेता है 20 लीटर की टंकी भरने बच्चों, तो एक घंटे में कितना भर रहा होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 लीटर भर रहा होगा, ये 20 घंटे में 20 लीटर की टंकी भर रहा है बच्चों, तो ये किसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितने लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे जो ये टाइम दिया हुआ है और आपने ये टोटल क्या निकाल, टोटल कैपेसिटी निकाल दिया किसका, टंकी का, और ये कितना है बच्चों एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया बच्चों कि 20 जो लीटर है कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी है बच्चों, टैंक की, जो क्वेश्चन में टैंक है उसकी कैपेसिटी हम लोग क्या मानेंगे 20 लीटर। अब उसमें ये टू का मतलब क्या हो गया कि 2 लीटर पर आवर जो होगा बच्चों ए पाइप उसको भरेगा, और ये 1 का मतलब हो गया कि 1 लीटर पर आवर क्या करेगा, खाली करेगा। क्यों खाली करेगा बच्चों, क्योंकि ये निगेटिव वर्क कर रहा है, बी जो है आउटलेट पाइप है खाली करेगा। जब दोनों को एक साथ खोलोगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर दोनों को जब ओपन करेंगे, ए प्लस बी को दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो एक घंटे में ए पाइप 2 लीटर भरेगा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, और जो बी पाइप होगा बच्चों एक घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, तो 2 लीटर भर रहे हैं और 1 लीटर खाली हो रहा है बच्चों, तो 2 - 1 कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि यहाँ पे माइनस ले लेना है। माइनस क्यों लेना है, क्योंकि ये निगेटिव वर्क कर रहा है, ये जो पाइप है 2 लीटर पानी भर रहा है और बी पाइप 1 लीटर पानी को खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 1 लीटर पर आवर आ जाएगा दोनों जब एक साथ चालू होंगे, तो दोनों चालू होंगे बच्चों एक साथ, तो एक 2 लीटर भरेगा एक लीटर खाली करेगा, तो ओवरऑल एक घंटे में 1 लीटर भरेगा, और पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है 20 लीटर बच्चों, तो टाइम कितना लगेगा, तो 20 लीटर भरना और 1 लीटर एक घंटे में भर रहे हैं बच्चों, तो कितना 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आवर लग जाएगा, यानी कि 20 घंटे लगेंगे टैंक को फुल होने में। यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता देंगे यस सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब निगेटिव वर्क लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसकी एफिशिएंसी को। यहां तक क्लियर होगा तो एक बार कमेंट करके बताएंगे यस सर यहां तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम झमाझम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यहां तक एकदम क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वेरी गुड दीपा, वेरी गुड, क्लियर हो गया। हैप्पी चौरसिया क्लियर हो गया, ठीक है। रुचिता एम कुमार का क्लियर हो गया, यस सर सबका क्लियर होना चाहिए, और जिन लोगों का एकदम क्लियर होता वीडियो को लाइक करते जाएंगे बच्चों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। एकदम क्लियर है सबको, यस सर एकदम क्लियर, साफ साफ क्लियर, वेरी गुड क्लियर, एकदम वेरी गुड क्लियर है, सबका क्लियर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो इनलेट पाइप होगा, देखो पाइप एंड सिस्टम में एक ही कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जो इनलेट पाइप होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो फिर से एक समरी बना दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो इनलेट पाइप होगा, इनलेट पाइप वो काम करता है बच्चों पॉजिटिव वर्क करता है, पॉजिटिव वर्क करेगा, ठीक है। और जो आउटलेट पाइप होगा बच्चों, जो आउटलेट जो उसको खाली करेगा वो क्या करेगा, निगेटिव वर्क करेगा, बस आपको यही याद रखना है। यानी कि जो पॉजिटिव वर्क करेगा उसकी एफिशिएंसी को ऐड करना, जो निगेटिव वर्क करेगा उसकी एफिशिएंसी को क्या करोगे आप लोग, घटा दोगे। यहां तक एकदम सबको क्लियर होना चाहिए, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना आपको, ठीक है। इनलेट पाइप पॉजिटिव काम करेगा और निगेटिव कौन करेगा, आउटलेट पाइप। एकदम क्लियर है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी है क्या आप लोग, एक बार कमेंट करेंगे यस सर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी है, तो मैं क्वेश्चन दूंगा। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं दूंगा, अगर आप लोग रेडी हो तो एक बार कमेंट करके बताओ यस सर वी आर रेडी। क्या आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यस मिस्टर मार्क का सबसे पहले कमेंट आया यस सर रेडी है, ठीक है। राजशेखर संदीप सब लोग रेडी है, चलो रेडी है बच्चों, तो एक क्वेश्चन का गिरा देता हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन का दुनिया है, देखो इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करके बताओ कितना आंसर होगा, इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। रेडी लेट्स गो, चलो श्याम सुंदर आंसर निकालो, राहुल वेरी गुड वेरी गुड, चलो आंसर निकालो, सब लोग रेडी है, झमाझम रेडी है, वेरी गुड। ये झमाझम वर्ड कहाँ से आ गया, झमाझम बार बार आता है, ये शायद कोई झमाझम बैच था उसके नाम पे ये हो गया ना, ठीक है कोई बात नहीं। झमाझम गर्दा उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, सब 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 हम लोग का क्या है, तकिया कलाम है, एकदम हम लोग इंजॉय के साथ क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, मजे के साथ पढ़ते हैं। बताओ कितना आंसर हो गया, सब लोग ट्राई करेंगे। 12 आ रहा, वेरी गुड 12। अनुरूप राठ का, कुमार चुहान का, उमेश का, वेरी गुड वेरी गुड। चेतन का सी आ गया, गौतम कुमार का सी, वेरी गुड। सी 12 आ रहा, वेरी गुड आ रहा है ना। चलो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला गया कि टू पाइप है,
पाइप है, एक जो पाइप है बच्चों, एक जो पाइप है, टू पाइप है बच्चों, एक जो पाइप ए है 20 मिनट लगता है उसको टैंक को फिल करने में अकेले, उसी टैंक को दूसरा पाइप जो है 30 मिनट में भरता है। तो बोला कि दोनों पाइप एक साथ खोल देंगे तो कितना टाइम लगेगा भरने में। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ये जो काम कर रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो मैं बना दे रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो ये एक पाइप ये है, यहाँ पे एक पाइप है ठीक है ऐसे, कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया है कि यहाँ पे दो पाइप है, पाइप ए है और पाइप बी है, यहाँ पे दो पाइप है, पाइप ए और पाइप बी है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ए जो पाइप है और बी पाइप है दोनों के दोनों इनलेट पाइप है। इतना कितने लोगों को क्लियर हो गया, इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऐसा पाइप जो पॉजिटिव वर्क करे, ए और बी दोनों भरने का काम कर रहे हैं बच्चों, दोनों ए भरने का काम कर रहे, तो ये क्या इनलेट पाइप है। यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए कि दोनों के दोनों इनलेट पाइप है, मतलब दोनों के दोनों टंकी को क्या करते हैं, भरते हैं। इसके बाद कितने लोग बोलेंगे सब दोनों भर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की निकालेंगे, बी की निकालेंगे, तो ए 20 मिनट लेता है, बी कितने लेता है 30 मिनट लेता है। इन दोनों का आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। कितने लोग बोलेंगे सर इनका एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है। कितने लोग बोलेंगे सर अभी 4-5 दिन में इतनी बार निकाल चुके हैं तो हमको याद हो गया होगा। कितने लोग बोलेंगे सर 60 आता है, 60 आ गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। ये टाइम है बच्चों, और ये क्या आ गया टोटल कैपेसिटी आ गई टंकी की, किसकी कैपेसिटी आ गई बच्चों, टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी आ गई। और ये क्या है बच्चों, इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब ये हो गया कि ए जो होगा तीन यूनिट भरेगा कितने देर में, 3 यूनिट पर मिनट में, मिनट में टाइम दिया तो पर मिनट भरेगा। ये कितना भरेगा, 2 यूनिट पर मिनट भरेगा। आप यूनिट ले सकते हो या फिर लीटर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। कितने बोलेंगे सर टोटल 60 लीटर भरना है दोनों के दोनों, यहाँ पे कोई निगेटिव तो नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे दोनों के दोनों इनलेट पाइप है बच्चों। इनलेट पाइप हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं, दोनों भरने का काम कर रहा है तो दोनों के यहाँ पे प्लस करेंगे बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे 3+2 होगा। ये चीज सबको क्लियर होना चाहिए कि प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इनलेट पाइप है, तो ये 5 यूनिट पर मिनट भरेंगे दोनों मिल जाएंगे। तो टोटल भरना कितना बच्चों, तो 60 यूनिट भरना है, तो टाइम कितना लगेगा, 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहे तो 60 मिनट भरने में कितना लगेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 12 मिनट लगने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। और मैक्सिमम लोगों ने आप लोगों में से आंसर बिल्कुल सही निकाला था, और मुझे आंसर अच्छा लगा कि आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां तक एकदम क्लियर है बच्चों, तो क्लियर तो एक बार कमेंट करके बोलेंगे यस सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए हम लोग रेडी हैं। या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं तो एक बार कमेंट करके बोलेंगे यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। मैक्सिमम लोग का बिल्कुल सही आया था, क्लियर है, वेरी गुड। सब लोग बोले एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, वेरी गुड। ईएमटी लवर मिस्टर मार्क ठीक है, मैथ गिव्स विंग्स ठीक है, दिव्या मौर्या, कुमार शुभम, वेरी गुड, सबका क्लियर हो गया, भारती सक्सेना, दिव्या, सबका क्लियर हो गया ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, देखता हूँ कितने लोग आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग आंसर निकालना चाहिए, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सब लोग ट्राई करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टू का आंसर निकालेंगे सब लोग, वेरी गुड, सब लोग निकालो। यहाँ पे सबसे पहले इनलेट आउटलेट पाइप पहचानो, कौन सा इनलेट पाइप है, कौन सा आउटलेट पाइप है।
क्लियर है, ए आ रहा है, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग ए आ रहा है। मैक्सिमम लोग कहीं आ रहा, वेरी गुड। चलो देखो बच्चों एक बार, जिनसे आ गया वेरी गुड, एक को लॉक कर दे रहा हूँ, हैदर अली बिल्कुल लॉक कर दे रहा हूँ। सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर आप लोग के सामने एक डायग्राम बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे एक टंकी है, ध्यान से सुनेंगे ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि टू पाइप है, तो पाइप जो पहला है बच्चों 10 घंटे में अकेले उस टंकी को भरता है, दूसरा पाइप है उसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, और तीसरा जो पाइप है बच्चों उस टंकी को खाली करता है कितने देर में खाली करता है, 40 घंटे में खाली करता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हो बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो पाइप ए है, ये जो पाइप ए बनाया हो, ये वाला पाइप, ये इसको भर रहा है 10 घंटे में, और ये जो पाइप बी है बच्चों इसको 20 घंटे में भर रहा है, लेकिन जो तीसरा पाइप है जो 40 घंटे बच्चों वो उसको खाली कर रहा है, 40 घंटे में खाली कर रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर टू इनलेट पाइप है एक आउटलेट पाइप है, ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप है। यहां तक एकदम क्लियर है बच्चों? चलो अब यहां तक क्लियर है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर एलसीएम लिख लेते हैं, तो 10, 20 और 40 का एलसीएम लिख लेते हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालते हैं बच्चों तो आपका एलसीएम आएगा बच्चों, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूं मैं। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करते हैं बच्चों तीनों का, तो देखो 10, 20, 40 का एलसीएम कितना होगा, तो कितने लोग बोलेंगे 40 होगा, 40 का मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ये चीज बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। 40 का मतलब क्या समझ रहे हो, ये टोटल टंकी की कैपेसिटी आ गई है, या यूनिट में मानो या लीटर में मानो आपकी मर्जी। और ये क्या आ गया बच्चों, एफिशिएंसी आ गई। कितने लोग बोलेंगे सर ये एफिशिएंसी आ गई, पहले वाले की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है अपर एरो बना देते हैं, इसको भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है अपर एरो बना देते हैं, और जो निगेटिव वर्क कर रहा है बच्चों उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ठीक है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे +4 आएगा, +2 आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है ठीक है। अब खाली कर रहा है बच्चों, अब क्या बोला कि तीनों को एक साथ चालू कर दे रहा है, तो एक जब तीनों को चालू करेंगे बच्चों एक साथ, आप खुद सोचो कि जो पहला पाइप है बच्चों, पहला जो पाइप है वो 4 यूनिट भरेगा पॉजिटिव वर्क कर रहा, दूसरा जो पाइप है 2 यूनिट भरेगा क्योंकि पॉजिटिव वर्क कर रहा, जो तीसरा जो ये पाइप है बच्चों ये निगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब ये 1 लीटर खाली कर रहा है 1 घंटे में। तो कितने 1 यूनिट खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे -1 कर देंगे, यानी कि जब ये तीनों पाइप एक साथ रहेंगे बच्चों तो 5 लीटर पर आवर क्या करेंगे भरेंगे, 5 लीटर, या फिर आप यूनिट में माने हो तो यूनिट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 यूनिट पर आवर क्या होगा पानी भरेगा, और कितना यूनिट भरना है बच्चों, तो टोटल 40 यूनिट की कैपेसिटी है टंकी की, तो 40 यूनिट भरना और 5 यूनिट 1 घंटे में भर रहा बच्चों, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 40 लीटर की टंकी है और 5 लीटर 1 घंटे में भर रहे तो टोटल कितना लगेगा, 8 घंटा लगना चाहिए। तो किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। आप लोग कितने लोग क्लियर होगा कि सर इसका ए आंसर आएगा, यहाँ तक एकदम क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे सर क्लियर है, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। कितने लोग रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? कुमार शुभम थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्वेश्चन आएंगे, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मिस्टर मार्क हाँ परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं, मिस्टर मार्क वेरी गुड बना सकते हैं, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं क्या, रेडी हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? एक बार जोश दिखना चाहिए, यस सर वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम जोश दिखना चाहिए आप लोग अंदर ठीक है, जोश है ही नहीं आप लोग और पढ़ना चाहते हो आप लोग। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो इसको, इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन दिया हूं, देखता हूं कितने लोग बना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन दिया हूं अभी जो हमने सॉल्व किए थे, सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व किए थे, सिमिलर क्वेश्चन, देखता हूँ कितने लोग का आंसर आता है। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग बना लोगे ना, कितने लोग बोलेंगे एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे दियो सर, मैं जान बुझ के सिमिलर दिया था कि कॉन्सेप्ट आपका रिपीट हो जाए एक बार। यहाँ कितना होगा बच्चों 10, 5 और 20,
यहाँ पे दो इनलेट पाइप है, ए और बी क्या इनलेट पाइप है और सी की आउटलेट पाइप है, तो डाउनवर्ड एरो बना दिया। अब इनका एलसीएम ले लो बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। जब 20 एलसीएम लेंगे तो इसका कितना एफिशिएंसी, 2, इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 1। अब ये तीनों का एक साथ काम किया जा रहा है बच्चों, तो ए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक साथ आप काम करोगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ए 2 यूनिट करेगा, बी 4 यूनिट करेगा, लेकिन सी क्या होगा 1 यूनिट खाली कर रहा है, निगेटिव वर्क है, यहाँ पे 1 कर देंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 5 यूनिट करेगा। तीनों मिलकर 5 यूनिट भर पाएंगे एक घंटे में, तो कितने लोग टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना निकालोगे बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना आपको भरना है बच्चों, तो टोटल आपको भरना है 20, तो टाइम कितना हो जाएगा 20/5, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ तक एकदम क्लियर रहना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोग एग्जाम से क्वेश्चन लिया, मैंने खुद नहीं प्रेम किया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एक कमेंट आया हुआ है, गौतम ने बोला है कि सर टेल अस शॉर्टकट वाइल टीचिंग रीजनिंग। ये गौतम बोले सर शॉर्टकट सिखाओ जब आप पढ़ाते हो, तो बच्चों इसका जवाब ये है कि अगर आप एसएससी बैंक का तैयारी करते, आप लोग एसएससी बैंक का तैयारी करते, तो मैं आप लोग को शॉर्टकट बताता। क्यों शॉर्टकट बताता, क्योंकि वहां पे टाइम कम होता है और शॉर्टकट जानने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। शॉर्टकट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ मेथड से जिसमें आपको कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो शॉर्टकट मुझे भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन शॉर्टकट के लिए आपको एक अलग से कॉपी बनाना पड़ेगा, एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, फार्मूला की शीट बनाना पड़ेगा और उसको रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग रेडी हो, कितने लोग रेडी हैं सर शॉर्टकट सीखने के लिए, एक फार्मूला कॉपी बनाएंगे अलग से याद करेंगे, अगर आप लोग रेडी हो शॉर्टकट सीखने के, तो मैं शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट कब काम आता है बच्चों, एसएससी बैंक एग्जाम में काम आएगा। हम लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी टेक्निकल में इतने सब्जेक्ट है कि उसको उसके ही फॉर्मूले नहीं याद कर पाते, एप्टीट्यूड के कैसे याद रखेंगे। ये बात समझ में आया, तो शॉर्टकट आप मत, शॉर्टकट पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, मेथड सीखो, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन केवल 15 नंबर के आने वाले हैं, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखो, रटने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर एसएससी बैंक का क्लास होता तो डेफिनेटली मैं शॉर्टकट सिखाता और बोलता ये रट लो और इस टाइप के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट ऐसे आंसर अप्लाई कर देना, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, सब लोग ट्राई करेंगे। अब जैसे देखो इसमें शॉर्टकट आपको सीखना है, इस क्वेश्चन में शॉर्टकट बताए हैं, तो शॉर्टकट सिखाता हूं इसको, इस क्वेश्चन में देखो कैसे शॉर्टकट होता है। चलो बच्चों क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, कुछ लोग का आंसर आ रहा है ए आ रहा है कुछ लोग का। मैं सर माइंड कैलकुलेशन करो सबसे शॉर्टकट है, तो सिखाऊंगा ना, पेशेंस रखो ना, अभी कितनी क्लासेस हुई है, 11 क्लास हुई है, 11 क्लास में आप क्या एकदम शॉर्टकट सीख जाओगे क्या आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, आप एक चीज में आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ, अभी 11 क्लास हुई है, कितने लोग को थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है पहले से, आप लोगों में से कितने लोग डिफरेंट फील कर रहे हो एप्टीट्यूड के सेक्शन में। केवल अभी 10 क्लास हुई है, आप लोग को लग रहा है कि एप्टीट्यूड आसान है, कितने लोग एकदम लगने लगा कि नहीं सर एप्टीट्यूड आसान है, हम आसानी से सीख सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे, ये फीडबैक है आप लोगों का मेरे लिए, कितने लोग को एप्टीट्यूड आसान लगने लगा है अब। आसान थोड़ा फील डिफरेंट हो रहा है कि नहीं, डिफरेंट फीलिंग आने लगा है कि नहीं पहले से, कि हम लोग कुछ कुछ शॉर्टकट कुछ चीजें सीखने लगे, सोचने का तरीका हमारा बदलने लगा है, ठीक है। मैं श्योर हूं बेटा कि अगर पूरा क्लास करते हो ना, तो आप एकदम डिफरेंट पर्सन बन जाओगे, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, क्वेश्चन के अप्रोच करने का तरीका बदल जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक? चलो सब लोग बोल रहे हैं सर की आसान लग रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल आप लोग एंजॉय करते रहो। अगर आप लोग ऐसे एंजॉय करते रहो, डेफिनेटली बच्चों आप लोग को मैं ऐसा सिखाने वाला कि आप लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है। आप लोग फीडबैक से ठीक है थैंक यू एवरीवन, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को बेस्ट लग रहा है ये चीजें, और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को, आप कोई कमेंट नहीं करेगा। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर, कोई पाइप है जो किसी टैंक को 12 घंटे में अकेले भर देता है, ठीक है।
लेकिन क्या होता है कि उसके टंकी के नीचे एक लीक होता है, लीक के कारण वो थ्राइस टाइम ले लेता है। इतना ले लेता है बच्चों, जितना उसको टाइम लेना चाहिए था उसको 3 गुना वो टाइम ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो लीक हो, ये उसके नीचे एक लीक है। लीक का मतलब होता है बच्चों वहां पे एक आउटलेट, मतलब एक होल हो गया जिसके थ्रू पानी क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। सबको समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे देखो, हाउ लॉन्ग विल टेक टू लीक द बॉटम ऑफ द टैंक टेक टू इम्पटी द फूल। अब बोला गया बच्चों, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन में सिंपल सा है कि एक पाइप है जो अकेले टंकी को 12 घंटे में भर देता है, लेकिन जब वो भरना चालू करता है बच्चों तो उसके नीचे एक लीक हो जाता है। लीक के कारण उसको 3 गुना टाइम लेना पड़ता है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर लीक नहीं होता तो 12 घंटा वो में भर देता टंकी को, लेकिन लीक हो जा रहा है बच्चों तो टाइम कितना ले ले रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 36 घंटा ले रहा है। 3 गुना टाइम का मतलब क्या हो गया, 36 घंटे में लग रहा है उसको पानी को भरने में। ठीक है, क्यों लग रहा है? क्योंकि पानी खाली भी हो रहा है और कुछ पानी उसमें भर भी रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो जो खाली होने का रेट है बच्चों, जैसे मान लेते हैं, ऐसे सोचो कि जो मान लो खाली कुछ 1 लीटर कर रहा होगा तो भर 5 लीटर रहा होगा, मतलब भरने की जो कैपेसिटी है, मतलब भरने की जो एफिशिएंसी ज्यादा है खाली करने से, इसीलिए वो 36 घंटे में कभी ना कभी जाके वो पूरा भर जाता है। ये बात सबको समझ में आ गया? अब आपसे पूछा गया बच्चों कि जब टंकी भरी रहेगी, अगर टंकी भर गई बच्चों तो उस लीक, जो लीक है उसको कितना टाइम लगेगा टंकी को खाली करने में, ये यहां तक पूछा गया है। अब बच्चों यहां तक क्लियर है बच्चों? तब समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एकदम कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई कमेंट नहीं करेगा बच्चों, एक बार सब लोग ध्यान से सुनना, एक बार में आपका काम बन जाना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला गया बच्चों कि ये 12 घंटा में अकेले भर देगा पूरा, तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर वो टंकी 100 लीटर का होगा, ध्यान समझना, अगर वो टंकी 100 लीटर का होगा मान लेते तो 100 लीटर टंकी को भर दिया होगा, टंकी को 100% भर देगा, मतलब मान लेते हैं कि टंकी 100 लीटर का है। फिर यहाँ पे चलो यहाँ पे ऐसे करो यहाँ पे कि मान लो बच्चों की टंकी 100 लीटर का है तो 100% टंकी को भर देगा वो 12 घंटे में अकेले। टंकी को पूरा फिल करने का मतलब ये हो गया कि 100% टंकी को भर देगा, लेकिन उस टंकी में लीक हो जा रहा है। देखो यहाँ पे एक टंकी बना दे रहा हूँ आपको और समझ अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अकेले चल रहा था बच्चों जब, तो अकेले उसको भरने में, ये पूरा भरने में उसको टोटल ना 12 घंटे लग रहे थे, लेकिन एक यहाँ पे लीक हो जा रहा है, नीचे एक लीक हो जा रहा है जिसके थ्रू पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जब बाहर निकल रहा है बच्चों, तो जब बाहर निकल रहा है और अंदर जा भी रहा है पानी, मतलब पानी बाहर टंकी से निकल रहा है और जा भी रहा है, तो टोटल 36 घंटे लग रहे हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर 36 घंटा ये चला होगा, अगर मान लो कि पानी नहीं बहता, अगर पानी को इकट्ठा किए होते तो कितने लोग बोलेंगे सर जब पानी को इकट्ठा किए होते तो 36 घंटे में 300% पानी भर देता, पानी 3 गुना भर देता। यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए कि 12 घंटा में टंकी 100% भर जा रही है, अगर वो लीक नहीं होता तो 36 घंटे में टंकी को 3 बार भर देता कि नहीं भर देता, 12 घंटे में 3 बार भर देता। अगर यहां तक क्लियर नहीं बच्चों तो इसको 12 घंटे ऐसे ब्रेक कर लो 3 पार्ट में, 12 घंटे 3 घंटे ब्रेक कर लो, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 100% भरा होगा, फिर अगले 12 घंटे में फिर 100%, अगले 12 घंटे में 100%। यानी कितने लोग बोलेंगे सर जब ये टोटल 36 घंटे में टंकी भरा होगा तो कितना पानी बाहर निकला होगा, टंकी तो जब लास्ट में जब 36 घंटे बाद भरा दिखा होगा तो टंकी तो 100% ही भरा होगा ना। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि टंकी जो है 100% भरा होगा तो 200% पानी क्या होगा, खाली हो गया होगा, 200% पानी बाहर निकल गया होगा। अब ये जो 200% पानी है बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को यहाँ पे, ये जो 200% पानी है बच्चों, ये कैसे बाहर निकला होगा, किस रास्ते से निकला होगा, तो लीक वाले से निकला होगा, ये 200 जो एक्स्ट्रा पानी हो रहा है ये लीक वाले रास्ते से निकला होगा बाहर, और बाहर निकलने में कितना टाइम लिया होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर जब पाइप, जब ये टंकी भरना चालू हुआ होगा उसी समय लीक हुआ होगा, तो टंकी 36 घंटे भरा है तो 36 घंटे पानी बाहर भी तो निकला होगा कि नहीं निकला होगा, यानी कि 200% पानी बाहर निकलने के लिए 36 घंटा लगता है लीक के सहारे, लीक होने के लिए अब 36 घंटे में 200% होता है बच्चों। तो जब टंकी भरी रहेगी तो 100% रहेगी, तो 100% खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 200% खाली करने में 36 घंटा लगता है तो 100% भरने में कितना लगेगा, 18 घंटा लगेगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर टंकी भरी होती तो केवल लीक अकेले उसको 18 घंटे में खाली कर देगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। कितने लोग ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, एक बार कमेंट करके बोलेंगे यस सर एकदम क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों तो एक बार कमेंट करके बताएंगे यस सर एकदम ये चीज क्लियर हो चुका है। नीले का क्लियर हो गया, वेरी गुड, नो डाउट नीले, नो डाउट, वेरी गुड, क्लियर हो गया, वेरी गुड, क्लियर क्लियर क्लियर, झमाझम क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है, वेरी गुड, एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, हैदर अली आपको कन्वेंशनल मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा,
आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक दो लोगों को डाउट है बच्चों, चलो रिपीट कर लेता हूँ। देखो एक बार आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी कुछ सोचना मत, इधर उधर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कुछ मत सोचना, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार अगर समझ गए तो आपका काम बन गया। देखो सब ध्यान सुनना, बोला गया है कि कोई पाइप जो है 12 घंटा में वो अकेले टंकी को भर देता है। तो 12 घंटे का मतलब हो गया कि 12 घंटे में वो 100% टंकी को अकेले भर देगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन टंकी के नीचे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर टंकी बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे नीचे लीक हो जाता है। तो ये भरना जब चालू होता है उसी समय लीक हो जाता है, यानी कि जब ये भरना चालू करते तो पानी भर भी रहा है, पानी यहाँ भर भी रहा है और पानी यहाँ से निकल भी रहा है, लेकिन ये निकलने की जो जो एफिशिएंसी कम है, भरने की ज्यादा है, ठीक है। तो टोटल जो टंकी भरने में जो टाइम लग रहा है बच्चों, 36 घंटे लग जा रहा है। हमको लगना चाहिए था 12 घंटे, लेकिन लग रहा है 36 घंटे। तो 36 घंटे जब पाइप ये चला होगा तो कितने लोग बोलेंगे सर 300% पानी भरा होगा कि नहीं भरा होगा, क्योंकि 12 घंटा में 100% भारी पानी भर रहा है, तो 36 घंटे में 300% पानी भर रहा होगा। और जब हम 36 घंटा बाद देख रहे हैं तो टंकी केवल फुल दिख रही है, मतलब हमारे पास केवल 100% पानी है और 200% पानी क्या हो गया, बह गया है। 200% पानी क्या हो गया, बह गया है। ये 200% पानी बह गया है और ये केवल हमारे पास 100% पानी भरा हुआ है, क्योंकि टंकी हमको भरी दिख रही है, लेकिन जो 200% एक्स्ट्रा जो पानी आया वो बह गया है। और ये बहा किसके थ्रू है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो लीक है उसी के थ्रू बहा है। और जब पानी टंकी भरना चालू होगा उसी समय लीक हुआ होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर लीक भी 36 घंटे चला होगा कि नहीं चला होगा, तो लीक भी 36 घंटे खाली बहा होगा, तो 36 घंटे में वो 200% पानी जो एक्स्ट्रा है उसको बहा दिया होगा लीक, यानी कि 36 घंटे में 200% भराएगा, तो 18 घंटे में कितना पानी बहाएगा बच्चों, 100% भराएगा। और आपसे यही पूछा है कि जब लीक जो है बच्चों, अगर 100% टंकी भरी रहेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा खाली करने में, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 18 घंटा लगेगा। 18 घंटे का मतलब हो जाएगा 100%। एकदम क्लियर हो गया, क्लियर है सब? हाँ बिल्कुल, आप डायमेंशन वैल्यू को भी यूज करके कर सकते हो। ये जो मेथड बता रहा हूँ बच्चों, ये कॉमन सेंस का मेथड है, ये कॉमन सेंस से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करो आप। एलसीएम मेथड्स जो भी आपको मेथड जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास 10 तरीके हैं, 10 तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे वही मेथड शेयर कर रहा हूं जो आसान है, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों, एकदम झमाझम कॉन्सेप्ट है ना, एकदम एकदम क्लियर है तो कमेंट करके बताएंगे यस सर एकदम क्लियर हो गया, मजा आ गया इस चीज सीख के। अगर मजा आ गया तो वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों, ताकि पता चलता रहे कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। वीडियो सेशन को लाइक कर देंगे, पूछ रही कि 18 घंटा कैसे भाई, 200% भरने का मतलब 200% पानी भर रहा खाली कर रहा 36 घंटे में, तो 100% खाली करने में कितना लगेगा, 18 घंटे लगेगा। क्लियर है? मिस्टर पार्क बोले मजा आ गया, हैदर अली, जितने लोगों को डाउट था क्लियर हो गया ना, क्लियर है? आपको एग्जाम में ऐसी अप्रोच करना है, आप कभी भी कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे तो टाइम लगेगा, आपको ऐसी शॉर्टकट में करना है क्वेश्चन को। मजा आ गया सर, वेरी गुड, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो क्या आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो? चलो बहुत लोग रेडी हैं बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, चलो सब लोग सॉल्व करके बताएंगे। सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बच्चों, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना, ऐसे ही सोचना जैसे मैं बताया हूं। हाँ श्याम जी आप अच्छी बात बोल रहे हैं, श्याम सुंदर, मेरे कॉलेज में एक फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था श्याम सुंदर, अब पता नहीं कांटेक्ट में नहीं है श्याम सुंदर। चश्मिता, राहुल, अरिफ खान, वेरी गुड, आंसर सही आ रहा है। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
आवर आ रहा है, कुछ लोग का बी आंसर आ रहा है बच्चों, मैक्सिमम लोग का बी ही आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चों देखो, सब लोग ध्यान से सुनना आप कैसे करना है सॉल्व, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, एक किसी टंकी को 12 घंटा में अकेले फिल कर देता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक किसी एक टैप है जो 12 घंटे में किसी टंकी को फुल कर देता है, लेकिन एक होल है सर, कहाँ होल है, बॉटम ऑफ टैंक, टैंक के बॉटम में एक होल है, ठीक है, होल के कारण इसको 15 घंटा लग रहा है भरने में, ठीक है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो टाइम ले रहा है 15 घंटा ले ले रहा है, तो 15 घंटा ले रहा है बच्चे, तो कितने लोग बोलेंगे सर एक्चुअल में 12 घंटा में भरना चाहिए था लेकिन 3 घंटा ज्यादा ले ले रहा है। तो ये जो 3 घंटा में जो पानी ज्यादा भरेगा वही पानी वहां से क्या होगा, खाली हुआ होगा, सिंपल सा लॉजिक। तो 12 घंटे में वो 100% टंकी का 100% पानी को भर रहा है, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। 12 घंटे में टंकी फुल कर रहा है मतलब 100% भर रहा है, तो जो 3 घंटा एक्स्ट्रा भरा है बच्चों उसमें कितना परसेंट भरा होगा, तो 12 घंटे में 100% भर रहा बच्चों, तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 1/4 भरेगा, मतलब कितने बोलेंगे सर 25% भरेगा। आप यहाँ पे सोच सकते हो बच्चों कि 12 घंटे में वो 100% पानी भर रहा है, ठीक है, 100 लीटर पानी भर रहा है, सुनो ऐसे 100 लीटर भर रहा है, ठीक है। आप देखो जिन लोगों को डाउट है, काम करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में परसेंट हटा देता हूँ और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो जिनको डाउट है ना ऐसे समझो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो बच्चों कि 100 लीटर की टंकी है, 100 लीटर की टंकी है, मान लो बच्चों 100 लीटर की टंकी है, तो ये 12 घंटा में टंकी को भर देता है तो 100 लीटर पानी भर देगा कि नहीं भर देगा, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। मान लेते हैं बच्चों कि टंकी की जो कैपेसिटी है 100 लीटर की है, तो ये 12 घंटे में 100 लीटर पानी भर देगा, ठीक है। तो लेकिन 12 जब लेकिन लीक होने के कारण वो 15 घंटा ले रहा है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 12 घंटा में 100 लीटर तो भरा ही भरा होगा, और 3 घंटे में अगर निकाले बच्चों तो 25 लीटर और भरेगा, क्योंकि 12 घंटे में 12 घंटे उसको लगते हैं 100 लीटर पानी भरने में बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 3 घंटा में कितना लगेगा, तो 3 आवर में लगेगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 25 लीटर भरेगा, यानी कि जो ये 3 घंटा जो ज्यादा इसको चलना पड़ रहा है उसके लिए उसको कितना पानी ज्यादा भरना पड़ रहा है, 25 लीटर पानी ज्यादा भर रहा है, भरना पड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि टंकी के नीचे बॉटम में क्या लीक है, तो लीक के कारण, यानी कि जो टंकी है, देखो यहाँ पे एक टंकी बना दे रहा हूँ, यहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ से पानी भर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो 25 लीटर एक्स्ट्रा भरा होगा वही तो निकला होगा भाई, जो 100 टंकी तो हमको भरी दिख रही है, यानी कि टंकी में 100 लीटर कैपेसिटी तो 100 लीटर पानी है, लेकिन 25 लीटर जो एक्स्ट्रा भरा है वो बाहर निकल गया, और किसके थ्रू निकला है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर आउटलेट पाइप के थ्रू निकला है, यानी कि 25 लीटर निकलने में कितना टाइम लिया है बच्चों, तो टोटल जब ये पानी टंकी चालू किए होंगे और तभी से लीक होना चालू हो गया होगा, तो टोटल 15 घंटा लगा इसको भरने में, तो 15 घंटा खाली भी तो किया होगा कि नहीं किया होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 25 लीटर खाली करने में उसको 15 घंटे लगते हैं, 25 लीटर खाली करने में 15 घंटा लगते हैं बच्चों। और आपसे पूछा गया कि इम्प्टी करने में ये टैंक को कितना टाइम लगेगा, कितने लोग बोलेंगे सर कि 25 लीटर खाली करने में 15 घंटे लगते हैं, और वो और टंकी भरी होगी तो कितने लीटर की होगी, तो हम टंकी को 100 लीटर का माना है बच्चों, यानी कि 100 लीटर खाली करने में मतलब हमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर इधर का भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 60 घंटे लगेंगे उसको 100 लीटर पानी को खाली करने में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 आवर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाओगे। इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जितने लोगों को क्लियर हो गया बच्चों एक बार कमेंट करके बोलेंगे यस सर एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में आ जाएगा, तो क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गर्दा उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे, एक बार कमेंट करके बोलेंगे यस सर, अगर आप लोग ऐसा फील हो रहा है नहीं सर ये वेरी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। आपको उल्टा सोचना है बच्चों, एकदम झमाझम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, धुआं धुआं कर देंगे, तहलका मचा देंगे, बिल्कुल तहलका मचा देना है, गर्दा उड़ा देना है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन से मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसको भी सॉल्व करो तो सेम कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करना है, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को,
प्रेम आप एलसीएम मेथड में क्यों उलझे हुए हो? आप इस तरह सॉल्व करना, शॉर्टकट में सॉल्व करना सीखो ना। एलसीएम मेथड तो आप उसको आता ही आता है। मेरा कहने का मतलब है, आपको अगर कोई फ्लाइट का टिकट दे रहा है कहीं जाने का, तो आप बोलोगे कि हमको मुझे बैलगाड़ी पर बैठ के जाना है। सिंपल सी बात है, आपको कोई फ्लाइट का टिकट दे रहा कहीं जाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं हमको बैलगाड़ी पर ही बैठ के जाना है क्या? ऐसे थिंकिंग हटाओ, आप कोशिश करो क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाने का। बैलगाड़ी पर बैठने का जमाना निकल गया, सब लोग फ्लाइट से जाते हैं, आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। वेरी गुड प्रेम, हमारी बातों को आप समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि सर को आता नहीं है क्या एलसीएम निकालना। ठीक है प्रेम, हमको वही मेथड करना। हमको देखो मेन, हम लोग का टारगेट है एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा नंबर स्कोर करना, मेन टारगेट ये होना चाहिए, दिमाग में हर जगह यही होना चाहिए। मिस्टर मार्क, आपको बैलगाड़ी में बैठा के गेट का पेपर देने भेजा जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हो, बहुत लोग आंसर आ रहा है, वेरी गुड डी आ रहा है, वेरी गुड डी, उमेश का डी आ गया, वेरी गुड, रोहित का भी डी आ रहा है। ये पाइप है बच्चों जो किसी टैंक को 10 आवर में फिल करता है, 10 आवर में फिल कर देता है भाई, चलो 10 आवर में फिल करता है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 10 आवर में वो 100% भर दे रहा होगा? ये ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट जो बताया उन्होंने बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन को आसान बना देता है। ये जो 10 आवर का मतलब कि 100% क्या करेगा, टंकी को फुल कर देगा। आगे बोला गया बच्चों कि 4 पाइप हैं, ईच आप इफिशियंसी आप 20% एज दैट ऑफ ए। 4 पाइप है जिनकी हर एक इफिशियंसी कितना है, 20% इफिशियंसी ए की है, तो कितने लोग बोलेंगे सर ए। सब लोग ध्यान सुनना यहाँ पे बच्चों, अगर ए ए जो है बच्चों, ध्यान समझना, ए जो है बच्चों 100% भर रहा है 10 घंटे में, तो जो दूसरे जो पाइप होंगे, जो दूसरे जो पाइप है बच्चों, यहाँ पे देखो, जो दूसरे जो पाइप है बच्चों, वो लोग कितने लोग बोलेंगे सर जो दूसरा पाइप है, ठीक है, वो 10 आवर में कितना भरेंगे? इनकी इफिशियंसी के 20% इफिशियंसी है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 10 आवर में वो केवल 20% ही भर पाएगा, क्योंकि हर एक पाइप की इफिशियंसी 20% इफिशियंसी या पाइप का पे है, तो पाइप जितना भरेगा जितना टाइम में उसका 20%। तो पाइप 10 घंटे में, ए पाइप 10 घंटे में 100% भर रहा है, कि जो दूसरे जो पाइप है बच्चों वो 10 घंटे में केवल 20% भरेंगे, क्योंकि इनकी इफिशियंसी कितनी है, केवल 20% है। यहां तक सबको क्लियर होनी चाहिए, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब लेकिन ये 4 पाइप है, कितने पाइप है बच्चों? 4 पाइप है। तो 4 पाइप है तो एक पाइप 20% भरेगा, तो 4 पाइप मिलकर कितना भरेंगे? 80% भरेंगे। यानी कि 4 पाइप मिलकर बच्चों 80% भरेंगे, कितने देर में? 10 घंटे में। ये चीज मेंशन है कि 10 घंटे में कितना भरेंगे, 4 पाइप मिलकर 80% भरेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई, 10 घंटे में 4 पाइप 80% भरेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि टंकी को कितने देर में फिल करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों 10 घंटे में, 10 घंटे में 80% भर रहे हैं, ध्यान देना, 10 घंटे में 80% भर रहे हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 100% को भरना है? 100% का मतलब क्या हो गया, इसको 100, यहाँ पे 1 आवर में, 1 आवर में कितना भरेंगे बच्चों? 8% भरेंगे। अब 8% को 100% बनाना है, तो कितने लोग बोलेंगे इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो कितने लोग बोलेंगे सर 12.5 का? तो कितने लोग बोलेंगे सर 12.5 घंटा लगेगा 100% होने में? यानी कि इसकी 100% टंकी भरने में कितना टाइम लेंगे ये लोग? 12.5 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग एक चीज क्लियर होते, एक बार कमेंट करके बोलेंगे यस सर एक चीज एकदम क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, एक बार कमेंट करके बताएंगे। राजीव बोल रहे हैं सर मैं गाँव में हूँ और बैलगाड़ी रेंट पे चाहिए तो कॉन्टेक्ट करना मार्क। ओके मिस्टर मार्क के लिए मैसेज था। कितने लोग एकदम क्लियर है सर, ये एकदम ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला एक एक बात सुनते जाओ और क्वेश्चन को बना लो। अब इसमें एलसीएम थोड़ी जुड़ोगे कि एलसीएम भाई, एलसीएम मैं आपको क्या बोला था जब स्टार्ट हुआ था टाइम एंड वर्क, एलसीएम एक मेथड है जिसको यूज करके हम लोग कैलकुलेशन आसान बनाते हैं। हम जरूरी थोड़ी कि एलसीएम यूज करेंगे, हमारी मर्जी नहीं यूज करेंगे, भगवान हमारे पास ये जो दिमाग दिए इसको यूज करेंगे, जरूरी है एलसीएम यूज करेंगे। एलसीएम किसी इंसान ने ही तो बनाया है, ऐसे भगवान थोड़ी आके बोलते कि बेटा ये टाइम और क्वेश्चन में एलसीएम लगा देना, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सबका, चलो वेरी गुड, इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर आ चुका है। चलो अब बच्चों ये 7 का आंसर निकाल के बताओ, ये 7 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में, ये तो आप लोग को 10 सेकंड लगेगा निकालने में, सबका आंसर आना चाहिए 7 का, 7 का आंसर निकालेंगे सब लोग, ये तो 10 सेकंड में आना चाहिए, आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है,
ये क्वेश्चन देने का मतलब यही है बच्चों कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि एग्जाम में जो लेवल का क्वेश्चन होता है आसान होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, ये 10 सेकंड का आंसर है। कितने लोग बोलेंगे सर अभी तो सॉल्व किए थे, जो पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें पूछने का तरीका अलग है, ठीक है कि नहीं। कितने लोग इस बात को पकड़ लिए कि 20 मिनट 30 मिनट उसमें भी था और दोनों एक साथ खोल रहे थे तो 12 मिनट आंसर आ रहा था। कितने लोगों ने बी आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सेम डेटा का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें डेटा चेंज किया नहीं गया, डेटा सेम है, बस स्टेटमेंट अलग अलग बना दिया गया है। क्लियर है सबको? एकदम क्लियर है, झमाझम क्लियर हो रहा है आज तो। आज लग रहा है सब लोग बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पी के आए यहाँ पे। वैभव शर्मा बोल रहे हैं सर ये गेट के लिए नहीं है बेटा, गेट के लिए क्लास, गेट के लिए ही ये क्लासे चल रही है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग, इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करो, देखता हूँ कितने लोग का सही होता है। ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 गेट वाला क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में हम लोग गेट वाले क्वेश्चन करेंगे। हल्दी वाला दूध भी कहा है, वेरी गुड। गेट वाले क्वेश्चन जो है बच्चों कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कल का एक और पाइप एंड सिस्टम का एक और सेशन होगा जिसमें हम लोग कल के सेशन में सारी क्वेश्चन करेंगे। भूषण पूछ रहे हैं कि आप सर आपकी सैलरी कितनी है किसी की सैलरी नहीं पूछी जाती भूषण, आपको पता है ना, लड़कियों से लड़कियों की उम्र और किसी इंसान से सैलरी नहीं पूछी जाती है, ये कहावत आप सुने होंगे बचपन में। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर निकालो कितना होगा, 10 का आंसर सब लोग निकालेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्या, शायद स्पेशल क्लास में किए होंगे, शायद हम लोग इस क्वेश्चन को स्पेशल क्लास में किए, कोई बात नहीं बाकी सब लोग ट्राई करेंगे। हाँ गौतम कर चुके हैं, मुझे याद आ गया, शायद ये क्वेश्चन को हम लोग उसमें किए हैं स्पेशल क्लास में किए हैं, स्पेशल क्लास में टाइम एंड और कंप्लीट कर चुके हैं। यस यस दीपा बोली यस सर स्पेशल क्लास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब तो आप लोग का आंसर याद होगा इसका, जब स्पेशल क्लास में किए हैं तो आप लोग का आंसर तो याद होगा इसका, ठीक है। तो जिन लोग को जो लोग नहीं किए वो लोग बनाएंगे बच्चों, उन लोग से गलती जरूर होगा यहाँ पे। ठीक है कुछ लोग का 25 आ रहा है, वेरी गुड। एमटी लवर पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है करें बिल्कुल करें। जो लोग नहीं किए देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया बोला गया है कि वाटर इन ए टैंक बिकम डबल आफ्टर एवरी मिनट, ठीक है हर मिनट पे क्या हो रहा है टंकी का पानी डबल होता जा रहा है। अगर मैं बोलूं बच्चों कि मान लो कि पहले मिनट पे 10 लीटर पानी था तो दूसरे मिनट पे कितना हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा, तीसरे मिनट पे कितना हो जाएगा 20 का डबल 40 लीटर हो जाएगा, चौथे मिनट पे 40 का डबल 80 लीटर हो जाएगा, पांचवें मिनट में 80 का डबल 160 लीटर हो जाएगा। यानी कि जितना पानी पहले था उतना पानी और ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। दीपा मौर्या बोल रहे हैं सर आज की 3 बजे की क्लास मिस हो जा रही है, नहीं आज दीपा 3 बजे क्लास हुई नहीं थी क्योंकि आज हम लोग की मीटिंग, हमारी टीम की मीटिंग थी तो मैं आज क्लास ले नहीं पाया था 3 बजे, कल होगी, ठीक है। 3 बजे की जो स्पेशल क्लास थी आज मैं पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि हम लोग की टीम की मीटिंग थी तो कल क्लास होगी, ठीक है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जितना पानी था उतना डबल होता जाएगा। अब आपसे पूछा गया है, बोला गया कि 50 मिनट पूरा टंकी फुल हो जाता, तो कितने लोग बोलेंगे सर 50 मिनट में वो 100% टंकी क्या हो गया फुल हो गया होगा। अब आपसे पूछा गया कि हाफ फिल्ड कितने देर में हुआ होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसके जो पहले जो मिनट होगा 49 मिनट में सर ये 50% भरा होगा, तभी तो 85वें मिनट में 100% होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर मिनट में क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता बच्चों की 1/4 भरने में कितना टाइम लगे तो आंसर क्या होगा बताओ, तो टंकी का 1/4 भरने में कितना टाइम लगेगा आंसर कमेंट करके बताएंगे। कितना मिनट लगेगा 1/4 होने में, 1/4 होने में कितना लगेगा सर, जब 49 मिनट में 50 मिनट रहा होगा 48 मिनट में कितना रहा होगा, इसका आधा रहा होगा तो 48 मिनट में कितना रहा होगा 25% रहा होगा,
यानी अगर 1/4 पूछा होता तो आंसर क्या होता, 28 मिनट, 48 मिनट हो जाता, ठीक है। तो 48 मिनट होता अगर 25% पूछा होता, तो 1/4 पूछा होता। तो यहां तक सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम झमाझम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना रहने देते हैं, ठीक है। अगर किसी के मन में आज कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। एक क्लास और होगी जो कि पाइप एंड सिस्टम की होगी, उसमें हम लोग गेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और पब्लिक सेक्टर में आए हुए क्वेश्चन, तो कल हम लोग 10-15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल की सेशन में हम लोग 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कोई डाउट है मन में तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यस सर ये चीज डाउट है, ये सब्जेक्ट कब होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग मन में जो डाउट है। देख रहा हूं यादव जी बोले बड़ी अजीब पाइप है सर, अगर ऐसा पाइप घर में हो तो कितना आसान होगा टंकी भरना ना। सतीश बोल रहे हैं सर स्पीड बढ़ाइए धीरे धीरे। सतीश अगर स्पीड बढ़ा दूंगा तो मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आएगा। कितने लोग स्पीड एकदम क्लियर, स्पीड एकदम अच्छी लग रही है, कितने लोग एकदम लग नहीं रही कि मतलब सही चल रही है। जिन लोग स्पीड सही चल रही लग रही है बच्चों एक बार कमेंट करके बोलेंगे यार सर स्पीड सही चल रही है क्लास की, नहीं फास्ट करने की जरूरत है, नहीं नहीं स्लो करने की जरूरत है। हाँ प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल काफी होगा, ये प्लेसमेंट के लिए बहुत काम आने वाला है। ये सब जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं सारे प्लेसमेंट में आने वाले हैं, जो लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के क्लियर है। ठीक है बच्चों होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को, होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों आप लोग सबको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ कल के लिए। ये क्वेश्चन सब लोग घर पे ट्राई करके कल आएंगे, कल की क्लास में ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करके आएंगे घर पे, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है। और बच्चों अन अकेडमी पे लर्निंग ऐप पे मेरी क्लास चल रही है, आप लोगों को पता है 3 बजे जो क्लास चलती है बच्चों, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है बच्चों परसेंटेज, जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। और 5 बजे जो क्लास हो रही है बच्चों उसमें रीजनिंग चल रहा है। रीजनिंग में आज हम लोग सिलॉक्स की 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, सिलोलिज में चल रही है बच्चों रीजनिंग में, ठीक है। तो आप लोगों में से जो करना चाहते हैं 3 बजे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 5 बजे की रीजनिंग की क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए बच्चों ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इजिली। और आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और कल क्लास होगी बच्चों, कल की टाइमिंग चेंज है, थोड़ा ध्यान रखेंगे सब लोग, कल की टाइमिंग चेंज है, कल की क्लास जो होगी बच्चों 9:30 पे होगी, कल की जो क्लास होगी 9:30 पे स्टार्ट होगी, नॉर्मल क्लास है, बस टाइमिंग चेंज है, कल आधे घंटा पहले क्लास होगी 9:30 पे, सब लोग टाइमिंग नोट कर लेंगे, कल की क्लास होगी 9:30 पे, कल कोई मैराथन नहीं है, नॉर्मल क्लास है, कल 9:30 पे होगी। और टाइम एंड सॉरी क्या बोलते हैं कि पाइप एंड सिस्टम को कल कंप्लीट करेंगे हम लोग, कल हम लोग पाइप एंड सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों आज के लिए इतना रहते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।